पता नहीं क्या हो रहा भाई, तो ऐसे गद्दी ये लीजिए बर्थडे का केक आपके लिए। सो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मैं सुबह से सुबह अपना केक भी अड़का रहा हूँ, गाजर का हलवा भी अड़का रहा हूँ। पहले तो भैया मसालेदार खा रहा हूँ पनीर, और इसमें चटनी बना रखी है, लहसुन की चटनी है। फिर जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद खाऊंगा ये केक गाजर का हलवा। आज के लिए मैंने इसलिए एक्सटेंड कर दिया मीठा खाना क्योंकि मैंने रात के 12:30 बजे गाजर का हलवा खाया था, मीठा तो होता ही है, तो इसलिए मैंने एक्सटेंड कर दिया कि अभी आज खा लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारा बच रहा गाजर का हलवा तो खाना तो पड़ेगा ना, तो खा लेता हूँ नाश्ता, फिर मिलता हूँ आपसे। सो यार अभी विपिन भाई आ रहे हैं तो उनको केक दे देता हूँ अपने बर्थडे का, उनको खिलाया नहीं था तो खिला दो फटाफट। ये लीजिए बर्थडे का केक आपके लिए। तो नहीं बना सकता क्या मैं? तो मेरे को केक का टेस्ट जानना ना कैसा है, घूटा ही नहीं पहले अच्छा लग रहा है। अरे पता क्या हो, नवीन भाई का आया था सुबह कॉल, कह रहा मैं आ रहा हूँ केक खाने, मैं आओ जल्दी आओ, कह रहा मैं फिर वही बोल रहा हूँ विपिन भाई, मुझे नहीं पता क्या कौन है। अब गाजर नू हलवा, ये आ रहा मैं भी। ये दीदी ने बनाया फर्स्ट टाइम। अच्छा। कैसा बनाया, उसका रिएक्शन लेना होगा तो बताइए। पहले चबाया नहीं पहले है? बहुत बहुत बढ़िया। चलो ये रिव्यू बहुत बढ़िया है और टेस्टी होता जा रहा है, यही लग रहा है देख के। ये देखो दोनों को अलग रखा हुआ मैंने, कुकी को और बनी को, बनी तो यहाँ है दिख रही है। इसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, अब ठीक हो गई है बंदर, पहले पूरी सुस्त बैठी हुई थी और अब यहाँ उछलने कूदने में और खाने में लगी हुई दिख रहा है। कब आ कब खाते रहे। ये तो ठंड भी लग रही होगी तो एक कवर अप रहेगा, जरा ठंड भी लग रही होगी तभी मैंने इसको यहाँ पर ढक रखा है आराम से। और ये रहा लौंडापुर का हीरो श्री कुकी लाल कहीं का, तब से इतनी सुस्ती आ रही है, आराम से सो रखा है तो। इसकी सुस्ती है नींद में रहेगा पूरा टाइम, 2-3 घंटे हो चुके हैं तब से ऐसी पड़ा हुआ 2-3 घंटे से, खा रहा सो जा रहा। तो बस ठंड में भी वही रहता है, पड़े रहते हैं एक ही जगह, बस इसको भी सोने दो और हम भी थोड़ी सी नींद ले लेते हैं, फिर मिलता आप सबसे। ऐसे मैंने बोला कि सुस्ती आ रही है कुकी को और वैसे ही आ गया बंदर बाहर, देख रहा है बंदर सिंह कुकड़ी। कल से देख रहा हूँ मेरे बर्थडे के दिन से आ रहा है बाहर आराम से और यहीं पर ही घूम रहा है। और अभी नानी और ताई जा रखे छत में, तो लकड़ी जलाने के लिए भी मतलब छत में जा रखे, तो अभी आग सेकेंगे थोड़ी देर बाद, तो अभी छत में लेके चलता हूँ भैया आप कह रहे, लेकिन ही क्या छत में ले जा रहा हूँ। पर ये कि ट्यूशन के बच्चे हैं वहाँ पर, ट्यूशन पढ़ा दी दीदी, तो जरा आराम से बोलना पड़ेगा यहाँ, तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा तो थोड़ा आराम से बोलना पड़ेगा मेरे को। वहाँ इसको चारे चुवन 5-6 घंटे थे तो ही रहा था, ये सो रहा था 5-6 घंटे से, तो चलता हूँ चलो छत में लगी क्या किसान। इसे खुशबू कैसे आती है, जैसे वो भट्टी में से भट्टी के आती है जैसे, हाँ तभी थोड़ी प्लास्टिक की हल्की हल्की से आ रही है। अरबी की सब्जी बना तो क्या अरबी डालते है ना दोनों, अरे तो गडेर अरबी होता है, हाँ बना दो दीदी, हाँ खाती है ना पापा, कम खाते हैं पर आलू डालोगे ना उसमें तो खा लेंगे पापा, खा लेंगे ना, खा कम करेंगे। वो तो मोटी वाली अरबी है जो नीचे रखी हुई है, उसे क्या कहते हैं गडेर कहते हैं, वो तो पकती भी नहीं जल्दी है? जल्दी नहीं पकती ना, यानी एक बार मम्मी बना रही थी पकी नहीं थी इसे, मोटी वाली होगी मोटी वाली अरबी, वो तो लाल होगा तो जल्दी पक जाएगा, सफेद होगा तो नहीं पकता, वो कम पकता है, थोड़ा टाइम लगता है उसमें। पूरा कोयला जलने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पर रखा हुआ है। और अभी ट्यूशन पढ़ा रही है वो तो शोर नहीं कर सकता ज़्यादा मैं, पर इतनी दूर से कर सकता हूँ भाई। यार आज जितना हलवा खा लिया भाई तुम मानोगे नहीं, गाजर का हलवा भर भर के, एक बार विपिन भाई के साथ खाया, एक बार दीदी के साथ खाया, एक बार खुद ही दबा के खाया, तो समझ सकते हो भाई कितना हैवी हो गया होगा मेरा। नहीं इतने ड्राई फ्रूट्स डाल रखे थे,
मजा आ गया खा के। जिसके भी मुंह में पानी आया होगा ना गाजर का हलवा देख के तो बताना कमेंट करके। फ्यू मिनट्स लेटर क्या हो रहा भाई, तो बम फूट रहा हो जैसे कि भाई पता नहीं ऐसी सर तभी आग लगती है ऐसे कोयले में ज़्यादा देख रहे कैसे ऑटोमेटिक दे रहे हो। अगर अभी शांत हो गया अब लेके चलता हूँ इसको नीचे, अब चलता हूँ उसे नीचे लेके। इसे बोलता गडेरी तो मतलब वो छोटी वाली भी तो होती है, तो उसमें इसमें क्या फर्क होता है उसको? ये काटना पड़ता है ना, उबाल के बन जाता है। अच्छा उबालना पड़ता है उसको ज्यादा? हाँ, मेरे को ध्यान आ रहा है मम्मी ने बनाया था बहुत देर तक उबाल के रखा, उबाल के रखा तब भी नहीं हुआ, फिर और ज्यादा कम से कम 3-5 सीटी मारी थी इसमें। हाँ तब इसका पूरा पका था, मेरे को ऐसे कच्चा सा रह गया था इसमें, क्योंकि मोटा वाला होता ना बहुत ज्यादा। ये नहीं कट रहा है नहीं, ये अलग होता है और वो दूसरा जो गोल गोल से होते हैं वो बहुत बढ़िया लगते हैं। वो गांव में यही तो खाए थे। अच्छा होते हैं ये वाले गांव में बहुत होते हैं। ये वाले हैं? उसमें थे नहीं जब दादी निकाल रही थी तो। यही तो थे वो जब तेरे बुआ छेदे थे। नहीं वो दूसरे थे, वो गोल गोल से थे ना, नहीं गोल थे ना, लंबे होते हैं कोई गोल होते हैं। वो बिल्कुल ऐसे हो रखे थे, नर्म हो रखे थे, इतने छोटे छोटे से, वो छोटे छोटे से इतने बड़े बड़े से गोल गोल थे। ये एक आध ही देखे थे मैंने शायद रखे थे। ये शलगम जैसा होता थोड़ा सा दिखने में। हाँ। ये शलगम हो गए पर है अरबी पापड़। गढ़वाल में क्या कहते हैं नानी से? पापड़ ही कहते हैं। कढ़ाई बनाओ उसी में बनाना, कुकर में ही पकेगा जल्दी, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो बनाने में पकेगी। इसमें छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे सूर्य प्रेशर कुकर में सही बनेगा। ये बनेगी छोटे छोटे प्रेशर कुकर में ही बनने वाला ना, वैसे नहीं बनेगा ये कढ़ाई में, क्योंकि टाइम लगता है जैसे कुछ भी सब्जी बनाते हैं पर बढ़िया बनती है। यहाँ घूम रहा है अभी आएगा देखना बाहर ही आने वाला ये। अच्छा मैं ही तो भगा रहा हूँ। तो अब दिखाता तुम्हें बंदरिया को, बंदरिया भी बहुत दिल से अंदलिया। ओ तेली बंदरिया पहला महबूबा ना आ जाए इधर। सच्ची में सुबह तबीयत खराब थी, जब ठीक होगी बिल्कुल ही, ये तो दिन तक लग रहा था थोड़ी तबीयत खराब हो रही है फिर होगी एकदम से ठीक। हमाली बंदरिया दिखाओ, इंग्लिश में आ नहीं रहा इस वाली। ये तो अंजू, ये तो बब्बी, फिर ये इंडिया में से फिर ये इंडिया। ये भाई सूर्य आर्मी लिखा उसने है, ये थर्ड वाले में जो आप कह नहीं रहे है? भाई सूर्य आर्मी। हाँ ये ताऊ नाना लिख रहे, फिर ये भी आने से फिर ये देवा इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश में लिखा देवा। फिर ये गैस बुकिंग का है। फिर ये हल्द्वानी। हाँ सही लिखा है। फिर ये हरीश पोखरण, फिर ये भी नहीं आ रहा। फिर ये ज्योति 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 ये क्या है? कत्यानी। हाँ कत्यानी, ये कत्यानी नंबर भी नहीं आदमी था। हाँ फिर ये भी नहीं। हाँ ये मेरे पापा कोटा बाग, कोटा बाग पापा करके लिखा। हाँ आइए मामा सुंदर। ये तो क्या है? मानसी। हाँ मानसी मानसी मानसी। हाँ ये तो मेहरबान। ये तो मौसी। सभी का इंग्लिश में आपके, उसमें तो आपके हिंदी में भी ये है। फिर ये न्याम में था। फिर ये पुजारी।
रजनी कूपी। अरे हाँ रजनी कूपी है, ये ज्ञान से है। ये तो क्या जो राकेश, ये तो रश्मि, ये तो रेखा काना, रोशनी, रोशनी, ये फिर ये भी ज्ञान में, ये वो तो आपका यही वाला सेव कर रखा आपने नंबर अपना। ये तो टीना, ये तो बैंक हिंदी बच्ची बैंक। हाँ अब ये हिंदी में आ रहे हैं, हिंदी में आ रहे सब भाई, इतने में से सब हिंदी में। मतलब इंग्लिश में तो आपने आधे से ज्यादा खुद ही बता दिया। मतलब इतना और किसी को नहीं रहता ध्यान में। इतने मतलब मेरे को याद है, इतने तो आपने ही बता दिए पूरे इंग्लिश में, तो ऐसा आपने 100 में से 80 इंग्लिश में है। इंग्लिश में है ना दादा, अब इतने हिंदी में है। तो यार आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और आप सब भी खुश रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।